महाराष्ट्र के मंत्री की फिसली जबान, कंगना रनौत को कहा नाचने वाली, भीख में मिली आजादी के स्टेटमेंट पर भड़के मंत्री, क्या है ये पूरी खबर आइए जानते हैं। बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत के 2014 में मिली आजादी और महात्मा गांधी वाले बयानों पर अब बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब महाराष्ट्र के मंत्री और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कंगना रनौत को नाचने वाली कहा है। जी हाँ, महात्मा गांधी पर विवादित बयान देकर एक्ट्रेस आलोचकों के निशाने पर आ गई है। ऐसे में उनके बयान के पलटवार में महाराष्ट्र के मंत्री विजय ने भी विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने सीधे सीधे कंगना को नाचने वाली करार दे दिया है। बता दें कि नेता ने कहा कि अगर कोई नाचने वाली महात्मा गांधी पर आरोप लगाती है तो मैं इसे प्रतिक्रिया देने के लायक नहीं मानता हूँ। 10 में से 9 लोग कंगना रनौत के बारे में बुरा बोलते हैं। उनके बारे में और ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। दरअसल कंगना ने 1947 में मिली आजादी को भीख बताने वाली टिप्पणी के कुछ दिन बाद मंगलवार को दावा किया कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को महात्मा गांधी से कोई समर्थन नहीं मिला था। अभिनेत्री ने गांधी के अहिंसा के सिद्धांत का मजाक उड़ाते हुए कहा कि दूसरा गाल आगे बढ़ाने से आजादी नहीं भीख मिलती है। बता दें कि इस नेता के नाचने वाली बयान पर एक्ट्रेस का अभी तक कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। लेकिन ये बात भी सच है कि कंगना रनौत चुप रहने वालों में से नहीं है। वेल, अब ये देखना होगा कि इस पर एक्ट्रेस का क्या रिएक्शन होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए और बॉलीवुड नाव को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू मैम। अरे हिला, मेरा भी हिला।